हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका बीएड हरियाणा फर्स्ट ईयर। हम कर रहे हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। बुक यूज़ कर रही हूँ मैं जो कि रेफरेंस है हमारा एसएम आचार्य की। जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास भी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आज की क्लास में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि 16 नंबर में आपका आता है। वो है, आपको बताना है व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोच टू लैंग्वेज एक्विजिशन। की लैंग्वेज एक्विजिशन में अलग अलग जो अप्रोचेस हैं वो कौन सी हैं, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, वो भी हम इसी वीडियो में अभी देखेंगे। एक छोटा सा मैं बताऊँ आपको, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। जब आप अनकॉन्शियस तरीके से लैंग्वेज को सीखते हो, मतलब कि मेरे लिए हिंदी है जो मैंने एज अ मदर टंग यूज़ करनी शुरू करी, उसे सीख लिया। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ मुझे ये आती थी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे हिंदी सिखाई गई है, नहीं। ये चीज़ें हमने कैसे करी, अनकॉन्शियस तरीके से। डेली डेली हमने देखा, लोग हमारे आसपास के बोल रहे थे, बिट बाय बिट हमने उन चीज़ों को एक्वायर कर लिया। अनकॉन्शियस तरीके से हमें हिंदी आ गई। लेकिन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस होके उसको पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो जब भी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, हम बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस तरीके से आपने भाषा को सीख लिया है। अब वी लर्न अ लैंग्वेज विदाउट एनी पर्सनस हेल्प, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम बच्चे थे हम बिना किसी की मदद के सीख गए। ठीक है, आप हिंदी जो थे वो किसी भी इंसान की मदद के बिना ही सीख गए थे, आपको किसी ने समझाया नहीं था। लेकिन क्यों, आपने सुना, आपके आसपास में लोग बातें कर रहे थे, आपको भी लोग ग्रेट कर रहे थे, आपके साथ खेल रहे थे, आपने धीरे धीरे लैंग्वेज जो है वो कैच करनी शुरू कर दी। इन द सोसाइटी इट कम्स ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ आ जाती है। और क्या होता है, हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग से हम बोलते नहीं हैं। हम बोलना कब शुरू करते हैं, जब हम इमिटेट करने लग जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई डज द मैन ओनली स्पीक, कि बहुत सारे क्रिएचर्स हैं लेकिन सिर्फ मैन ही क्यों बोलता है, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते। बाकी क्रिएचर्स के पास भी ब्रेन है लेकिन ह्यूमन की तरह वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ह्यूमन बीइंग अलग अलग सर्कमस्टांसिस के अंडर में रहा है, इसीलिए उसके पास बोलने की जो है क्वालिटी है वो है। लेकिन फिर भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि सिर्फ जो हमारे ह्यूमन हैं वही क्यों बोल पाते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक इनेट कैपेबिलिटी है, मतलब कि हम उसे एक्वायर कर लेते हैं। जब हम लैब में होते हैं हम अपनी मदर से ही उसको सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। ये लैंग्वेज कहाँ से आती है, इन्वायरमेंट से आती है। जब हम हमारा बर्थ होता है, हम इन्वायरमेंट में लैंग्वेज को सीख लेते हैं, हमारी फैमिली में, हमारे आउटसाइड में, नेबर्स में, यहाँ से हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं, बच्चे को लैंग्वेज आ जाती है। और ये होती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी आपकी मदर टंग है वो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू आई है। और हम ह्यूमंस के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्वालिटी है कि हम चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा जर्मनी में है तो ऑब्वियसली उसे जर्मन लैंग्वेज आएगी। अगर कोई इंडिया में है उसे आपकी अपनी मदर टंग हो सकता है, आपकी हिंदी है, तेलुगु है या फिर कोई और लैंग्वेज है, आपको वो आएगी। एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन होता है पैसिवली, अनकॉन्शियस, धीरे धीरे होता है, अनकॉन्शियस तरीके से होता है। अनकॉन्शियस मतलब आपने उस पर फोकस नहीं किया। बच्चा थोड़ी ना सोचता है कि मुझे ये सीखना है, वो तो धीरे धीरे बच्चे को आ जाती है। धीरे धीरे आती है मतलब कि पैसिव तरीके से आती है। इम्प्लिसिट लर्निंग है ये, मतलब यहाँ पर बच्चे को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं। इम्प्लिसिट मतलब आप डीप में पढ़ रहे हो, एक्सप्लिसिट आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप। देन जो लैंग्वेज है वो कैसी होती है, बहुत ही सिंपल सा है। आप बच्चे को रूल्स सिखाने की जरूरत भी नहीं होती, बच्चे को रूल्स भी खुद आ जाते हैं। बच्चा वहाँ पे खेलते खेलते उन चीज़ों को सीख जाता है। एक्विजिशन जो है बच्चे का, वो डिपेंड करता है कि कौन से लिंग्विस्टिक चीज़ें बच्चा एक्वायर कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बच्चा जहाँ पर रहेगा बच्चे को वहीं से चीज़ें आ जाएंगी। बच्चा आप किसी भी रिलीजन में डाल तो बच्चे को वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बच्चों के साथ ऐसा होता है या फिर अमेरिकन के साथ होता है या फिर किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के साथ होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लास हो, कलर हो, प्लेस हो, रिलीजन हो, कॉलोनी हो, कोई भी हो, बच्चे के साथ फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग इसी तरीके से एक्विजिशन होता है उसका। बच्चा उसे एटमोसफेयर से सीख लेता है। ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड
इफ़ दे आर प्रोवाइडेड नॉर्मल फैसिलिटीज़, मतलब कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा है, उसे इंग्लिश आ जाए, तो आप फर्स्ट डे से ही उसके सामने इंग्लिश में बोलना शुरू करो। धीरे 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 बच्चे को इंग्लिश ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे की वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगी, बच्चा उसी को सुन रहा है सिर्फ। तो कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। एक टाइम पे दो लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड हमने क्यों बोला, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ड तो है नहीं, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, याद करनी होती हैं, अनकॉन्शियस तरीके से ही सही, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी आ जाती है, कई बार होता है दो लैंग्वेज आती है, तीन लैंग्वेज आती है, कभी कभी चार लैंग्वेज भी आ जाती है बच्चे को। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। बच्चे का जो नेचुरल फिजिकल डिसऑर्डर है, मतलब अगर बच्चे में कोई डिसऑर्डर है, कोई कमी है, अगर बच्चे में स्पेशल चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है, बच्चे में कोई भी चीज़ है, कैन नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड। अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे को जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर कोई डेफ है या फिर डम है, ब्लाइंड है, लेम है, तो बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से चीज़ों को देख रहे हैं। एक बार बच्चे को लैंग्वेज आ गई तो वो फ्लॉलेस हो जाती है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर एक्शन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, बच्चा धीरे धीरे उन्हें सीख लेता है, पर्टिकुलर आपका रिएक्शन हो जाता है। ये चिल्ड्रन जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जो उनकी लैंग्वेज होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है। बच्चा अपनी लैंग्वेज के साथ खेलता रहता है, तोड़ मोड़ के भी बोलता रहता है, अल्फ़ाबेट को रिवर्स करता रहता है। जब जैसे वो बड़ा होता है, वो अपनी लैंग्वेज में पकड़ बना लेता है। अब आपको हिंदी बोलनी है, आप हिंदी में कुछ भी नहीं सोचोगे, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, आपके पास हर एक सिचुएशन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होगा। लेकिन वही चीज़ अगर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इस सिचुएशन के लिए वो स्पेसिफिक वर्ड कौन सा यूज़ करें। लेकिन अगर हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, हमने उसे बचपन से सीखा है, एक्वायर किया है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बच्चा है वो एकदम से तो नहीं सीख सकता कोई भी चीज़ है। अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न लैंग्वेज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एट वंस। कोई भी है वन बाय वन ही सीखेगा, एकदम से नहीं है कि बच्चे को आज आपने दूध और बादाम खिला के सुला दिया, बच्चे को कल पूरी इंग्लिश आ गई या फिर हिंदी आ गई, ऐसा नहीं है। बच्चा कैसे सीखेगा? बिट्स एंड पीसेस में सीखेगा, धीरे धीरे सीखता है, एक साथ नहीं सीखता है। ये कोई फोटोग्राफी नहीं हो रही है कि आपने फ़ोटो निकाल दी और हो गया, एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है। धीरे धीरे बिट बाय बिट आपको मेहनत करनी है, या फिर धीरे धीरे वो होगा। कल्चर है, इन्वायरमेंट है, आपका जियोग्राफिकल है, एरिया कौन सा है, रेस कौन सा, इन सब चीज़ों का लैंग्वेज एक्विजिशन पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं। हर एक बच्चा सीखेगा, डिपेंड करता है बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीख रहा है। तो ये चीज़ है। इवन जो हमारा बिहेवियरिस्ट पर्पस है कि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है, उसकी रिच लैंग्वेज बन जाती है, बच्चे को उसके ऊपर पूरी पकड़ हो जाती है, बच्चे को प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? स्पीच इमिटेशन से बच्चा सीख जाता है। आपकी मम्मी ने कुछ बोला, बच्चा उसे इमिटेट कर रहा है, उसी को बोलने की कोशिश कर रहा है। इन दिस वे द लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। ऑल ह्यूमंस आर फिजियोलॉजिकली अलाइक। हम सब कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्पीच साउंड से ही होता है, हम सुनते हैं उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं। आगे बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है इन्फेंसी से। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स की लैंग्वेज सीखेगा। अडॉप्टेड बच्चा है तो वो क्या करेगा? अडॉप्टिव जो पेरेंट्स है उनकी लैंग्वेज को सीख जाएगा। बच्चा अगर तमिलनाडु का है, अगर वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाता है दिल्ली में, बच्चा दिल्ली की लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर कोई अमेरिकन बच्चा है, उसे कोई अडॉप्ट करता है जर्मनी में, तो वो जर्मन लैंग्वेज सीख जाएगा। तो वो चीज़ें क्यों? क्योंकि बाय बर्थ आप क्या सुनते हो, उस टाइम पे क्या सुनते हो, बच्चा उनसे सीखता है। अब इसके आगे बोला गया है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है उसके बारे में, कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। लैंग्वेज लर्निंग होती है जब आप सेकेंड लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हो। आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी, अब इंग्लिश स्कूल में हमें सिखाई गई, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, ये लर्निंग है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्शियसली सिखाया गया, हम स्कूल गए, हमने कॉपी बनाई, बुक्स खरीदी, उसके बाद क्लासरूम में पढ़ना शुरू किया इंग्लिश के बारे में। तो सेकेंड लैंग्वेज क्या है? सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की तरह भी बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है हमारी, ये हमने बाय बर्थ नहीं सीखी है। तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि सराउंडिंग में नहीं बोली जाती है, वो होती है हमारी फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? कोई नहीं बोलता ना। अगर हम वैसे बोलें कि
इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ऑफिस में बोल लेंगे, घर पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम घर पे अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं। एक्विजिशन एंड लर्निंग अलग अलग टर्म्स हो जाती हैं। एक्विजिशन क्या है? ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है, बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, नेचुरल है। लेकिन लर्निंग क्या है? कॉन्शियस तरीके से हो रहा है, ये एक्वायर नहीं होती है, ये हमें लर्न करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालनी पड़ती है हमें यहाँ पे। हमें रूल्स याद करने पड़ते हैं, हमें स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब बहुत बार बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जब लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है, नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कैसे मिस्टेक्स? मतलब हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अलग है। इंग्लिश में हम क्या फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में हम डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं। जापानीज़ में हम पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब यूज़ करते हैं, तो अलग अलग तरीका होता है। अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हो, आप कर्म बोलते हो कि कोई इंसान कैसे कर्म करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। अब बच्चे ने देखा कि इंग्लिश में कर्मा है, तो वो उसे क्या करेगा? वो उसे अभी भी कर्म ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र हुई है। ट्रांसफ़र जब नॉलेज होती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती हैं। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कोई बाइक चलाना सीखा, अब उस बाइक में जो गियर लगता था वो पीछे की तरफ लगता था, या फिर ब्रेक जो था वो पीछे की तरफ लगता था, लेकिन दूसरी बाइक में आगे की तरफ लगता है। तो अब क्या होगा? आप मिस्टेक्स करोगे, बहुत बार करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो पुरानी नॉलेज है वो नई नॉलेज में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वैसे इंग्लिश में भी है कि अगर हमारी जो हिंदी है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ी सी बाधा डाल रही है। हम हिंदी में शैतान बोलते हैं, राइट? हम हिंदी में बोलते हैं शैतान आया, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, और वही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेटन। तो अगर आप वही लैंग्वेज लेके इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश का SATAN भी शैतान पढ़ोगे, लेकिन हम इंग्लिश में उसे सेटन बोलते हैं। तो ये होता है नेगेटिव आपका ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है ये। उसके बाद है कि इंग्लिश के अपने कुछ रूल्स हैं, बाकी लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हैं। हर एक जो लैंग्वेज होती है उसमें अपने अपने रूल होते हैं। आपको रूल्स को मास्टरी करना होता है, प्रोनाउंसिएशन को मास्टरी करना होता है। तो जब भी सेकेंड लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जाती है या फिर लर्नर को पढ़ाई जाती है, उन्हें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, कॉन्शियस तरीके से वो उसे पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली ये जो नॉलेज है विल मेक हिज टास्क ऑफ लर्निंग अनदर सेकेंड लैंग्वेज ईजियर। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आपकी इंग्लिश को पढ़ने में ईजी कर देती है। जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश और जो स्पेनिश और फ्रेंच, आई थिंक वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना था। तो ये इजी भी बना सकता है, हार्ड भी बना सकता है। तो वो हो गई हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म। हमने क्या बात करी है कि एक्विजिशन क्या होता है? अनकॉन्शियस बच्चा बचपन से सीखता है। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? जब बच्चे को स्कूल में जाके चीज़ें सिखाई जा रही हैं, कभी कभी होता है फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में बाधा क्रिएट कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैसे? अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे की पकड़ हिंदी पर बन गई है, बच्चा इंग्लिश में आकर थोड़ी बहुत गलतियाँ यहाँ पर कर देगा। हो सकता है कोई वर्ड है जो बच्चा इंग्लिश में भी उसे हिंदी की तरह प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पर होती है आपकी क्लास खत्म। आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।